देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान से बदले का पूरा प्लान तैयार हो गया है। इसराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव। ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल ने वार्न किया है ईरान को कि यू विल पे द प्राइस। इसराइल का कहना है कि इट विल एग्जैक्ट नुकसान पहुंचाने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये कहना है नेतन्याहू का। ईरान के हमले पर नेतन्याहू ने ये कहा है, यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमें तो उसके लिए उठना चाहिए, हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हमने कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? नहीं, तो वो करेगा तो अब पाकिस्तान ने यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना जिहाद के बदले। इस वक्त तो ये फर्ज है, जंग करना फर्ज है तमाम मुस्लिम उम्मा पर। हम एटमी कुव्वत हैं, हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी तरफ से यह बयान आया है जी कि सब जंग बंद करके और बस पीछे हट जाएं। पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालात तो खराब हो गए और कोई मुल्क जो है वो खिते में या दुनिया में ईरान को किसी किस्म की इश्योरेंस नहीं दे रहा कि इसराइल आप पे हमला नहीं करेगा, या हर मुल्क ये ईरान को प्रेशराइज कर रहा है कि आप ऐसा कुछ ना करना, हमने आपके बंदे मार दिए हैं पर आप ना कुछ करना ऐसा। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरानी हमले की सूरत में ही जवाब देगा, यानी ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पर, अब इसराइल उस हमले का जवाब देगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई। तो इसलिए जो टाइम इस वक्त आ रहा है कि इसराइल कितनी देर में हमला करेगा, तो इसराइल विद इन 24 to 48 hours के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि यही बात कही गई है कि 24 to 48 hours में इसराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा ईरान की हमले का। कि इस वक्त स्काई न्यूज से लेकर और द इंडिपेंडेंट तक ये खबर चल रही है कि इसराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उस वॉर कैबिनेट में ये फैसला किया गया है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। इसराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान को हमले का जवाब देगा, बहुत करारा देगा, लेकिन किस टाइम देगा? व्हेन द टाइम इज राइट। अब ये हुआ है कि ईरान के हमले के बाद जो इसराइल की वॉर कैबिनेट है उसका एक सेशन हुआ है, एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें मिनिस्टर बेनी गेंट्स जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री हैं इसराइल के, उन्होंने ये कहा है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमने बदला ले लिया और हम इससे ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़े, इस इशू को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया था, यानी ईरान अब ये चाहता है कि जो उसने कर दिया, जैसा कि उसने कहा कि उसने रिवेंज लिया जो कि उसकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था डमास्कस में, तो अब उसने क्योंकि ये कर दिया है तो अब इसका ये जो है ये बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसराइल की इस जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया, उसमें ये फैसला किया गया है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान, यानी इसराइल जो है इसराइल वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमला वो करेंगे उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनल कोलिशन, तो वो तो हमें पहले ही नजर आया, ईरान ने हमला किया है तो तब भी हमें पता ही चला है कि जो इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के ड्रोन्स को उसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन सर पाकिस्तान में तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो मैं टीवी चैनल्स वगैरह देख रही थी वहां ये बात भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी, कि ईरान ने सिर्फ एक कहना चाहिए धमकी के तौर पे या सिर्फ दिखाने के लिए किया, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि सैंक्शंस हट जाए किसी तरीके से, तो क्या सैंक्शंस हट पाएंगी ईरान पे से? मुश्किल। देखिए इसमें सैंक्शंस अब उसमें किस तरह हटेंगी, एक तो जो बाइडन इस वक्त लैम डक उसको कहते हैं, लैम डक से मुराद ये है कि उनका एक पांव उनका व्हाइट हाउस से बाहर है एक अंदर है, लोग सारी दुनिया जो है डिप्लोमेट्स परेशान हैं, लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक। डोनाल्ड ट्रंप वापस आते गए तो उनका सबसे बड़ा पहला जो स्टेप पिछले दौर में वो हमेशा ब्रैग करते हैं कि मैंने ईरान को सैंक्शंस के जरिए चोक कर दिया था, तो वो अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आती है वापस तो मेरा नहीं ख्याल ईरान से सैंक्शंस हट पाएंगी, बल्कि और ज्यादा टाइट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने ये पैगाम दिया इसराइल को और ये बात की है कि आप हमला ना करें, आप रिटेलिएट ना करें। अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल रिटेलिएट ना करे, जो होना तो हो गया, और अब अगर
इसराइल रिटेलिएट करेगा तो आप जानते हैं कि ये 300 ड्रोन से ज्यादा की बात होगी। जब जवाब दिया जाता है तो कोई भी कंट्री जवाब जो है वो उससे ज्यादा ही देता है जो कि पहले ने किया हो, तो इसराइल जवाब देगा तो उससे ज्यादा देगा। तो इसमें अब अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट बाइडन भी ये कह रहे हैं, और इसी के साथ जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उनकी उनके जो काउंटर पार्ट से गुफ्तगू हो रही है उसमें भी उन्होंने ये बात की, और इसके अलावा उनका भी ये कहना है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी यही स्टेटमेंट आई है कि जो इसराइल है वो इसको एस्केलेट होने से बचाए, और अगर वो रिटेलिएट करेगा जवाब देगा तो मामला जो है वो फिर हाथ से निकल सकता है और ये एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर जो है वो भी आप तक पहुंचाते हैं, और वो ये है कि आप जानते हैं कि इसराइल के कहने पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया था, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और जो कुछ हुआ है उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सेशन बुलाए, वो सेशन बुलाया गया यूएनएससी का, ये जो इजलास है ये विदाउट एनी एक्शन। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडल ईस्ट में चल रहा है, और इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जो है इस हवाले से जारी की है, लेकिन इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बहुत पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी, बड़ी अर्ली उनको शायद इसकी क्लैरिटी थी कि, लेकिन पाकिस्तान को इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इंडिया कहता है कि इसको डी एस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट शो करें, स्टेप बैक करें फ्रॉम वायलेंस, डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई है। पहले आपको बताता चलूँ कि इंडिया ईरान ने बेसिकली इसराइल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा शायद हमले किए जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे और सारा कुछ था और ड्रोन्स भी थे, इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, क्योंकि ईरान ये कहता है कि ये ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, ठीक है जी। और इस पे आप ये समझ लें कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर ईरान ने की है, सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ईरान की हिस्ट्री में और इसराइल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इस तरह की चीज़ें जो हुई जो है वो हुई हैं कि ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है, जॉर्डन इसराइल अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। इसलिए सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान ने जॉर्डन को भी जो है वो कोई धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। जो इजरायली हैं वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें सऊदीज़ दे विल बी प्लेइंग। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसका एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्या पोजीशन है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं देख रहा था कि जो ईरान के जो मेजर जनरल बघीरी हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर ली है, और ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी था कि इसराइल ने हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की।